मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। रोशनी टीवी के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम एक मेहमान को लेकर आए हैं जिससे आपको हम तारफ़ करवाते हैं, और ये है मैडम डॉक्टर सिंदूरी मैडम, जो बालों के ताल्लुक से और दांतों के ताल्लुक से और जिल्द के ताल्लुक की माहिर डॉक्टर है। तो आप फ़ोन के ज़रिए सवालात कर सकते हो और मैडम से अपने अमराज के बारे में पूछ सकते हो। और ये प्रोग्राम बराह रास्त टेलीकास्ट किया जा रहा है और हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए जब तक हम मैडम से आपका तारफ़ करवाते हैं। नमस्ते मैडम। और मैडम से हम पूछते हैं, जब तक आप लोगों के कॉल आते हैं, थोड़े से मखसूस बातों पे जिल्द के ताल्लुक से बात करेंगे और दांतों के ताल्लुक से और सर के बालों के ताल्लुक से बात करेंगे। अगर आपको भी इस मर्ज़ों का शिकार है तो आप जल्दी से फ़ोन उठाइए और कॉल लगाइए, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैडम से कुछ मखसूस बातों पर बातचीत करेंगे। मैडम, जिल्द पर दाने और मुहासे हो जाते हैं और उसके दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो क्या वो नशाना चाहते हैं? वो डिपेंड करता है कौन से स्टेज में है जी। अगर अर्ली स्टेजेस में, मतलब अभी शुरू हो रहा है, आपका एज बहुत कम है, तभी से आप अगर कोई डॉक्टर ने आपको क्रीम दिया हो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके धब्बे और निशाने छोड़ेंगे नहीं जी। पर आपका एज थोड़ा ज़्यादा है, 25 या 30, उससे पहले वाले जो भी धब्बे छोड़ के गए हैं उस पर सिर्फ लेज़र काम कर सकता है। मोटे मोटे पिंपल्स आएंगे उस पर, पूरा पीप है तो निशाना छोड़ेगा, वैसे वाले पिंपल्स को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बेसिक वाले तो कैसे भी जाएंगे, और अगर धब्बे है, मुहासे है, क्रीम से जाएंगे, अगर उसके निशाने हैं, गड़े हैं, तो वो सिर्फ लेज़र से जाएगा। तो एकदम जैसे आप लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हो मैडम, तो उससे स्किन क्या नुकसान कुछ होते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के? लेज़र, सबको यही ख्याल होता है कि लेज़र से स्किन डैमेज हो सकता है या हानिकारक है। कुछ लोग पूछते हैं कि उससे कैंसर होता है क्या। लेज़र बहुत ही सेफ होता है क्योंकि हम पूरे बॉडी पे नहीं करते हैं, जिधर उसका है, मतलब धब्बे है या निशाने हैं या कुछ भी है, हम वहाँ तक ही करते, पूरा इस्तेमाल नहीं करते, तो डेफिनेटली वो सेफ ही है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार क्लिनिक पे आइए, फिर आपका जो भी डाउट से आप क्लियर कर सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के फ़ायदे क्या है मैडम? अभी जो आप क्रीम, मतलब जिनको भी पिंपल्स है या धब्बे है, मार्क्स है, उनको सब पता है, आप सालों साल क्रीम और टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता है वो कितना धीरे काम करता है। आप जब तक वो पुराने वाले जाते नहीं, नए पिंपल्स आ जाते हैं, तो क्रीम बहुत ही स्लो होता है वो, बहुत ही, मतलब 6 मंथ्स या 1 ईयर और उससे ऊपर भी लगता है, क्योंकि उससे पहले नए वाले आ जाते हैं। पर लेज़र क्या करता, तुरंत काम दिखा, उसका काम दिखाता है, और पील्स भी जो है आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट आता है, मतलब क्रीम लगाने के बाद आप 6 to 1 ईयर्स में जो रिजल्ट आ सकता है वो आपको 1 मंथ में दिख जाता है। अभी किसी की शादी है या उनके भाई की बहन की कोई बड़ा इवेंट है तो सबको अच्छा दिखने का मन करता है, पर इतने सालों पुराने पिंपल्स और धब्बे को एक ही दिन मिटाना, मतलब क्रीम से तो नहीं हो पाएगा, आपको लेजर्स और पील से जो सेफेस्ट है और फास्टेस्ट है, उससे आपको अच्छे खूबसूरत भी लगेंगे और स्किन भी बहुत ही अच्छा दिखेगा, मतलब हेल्दी दिखेगा। इन फ्यूचर कुछ नुकसान मैडम लेज़र ट्रीटमेंट के? नहीं, लेज़र जो है उसका मैकेनिज्म ये होता है, हमारे स्किन हमेशा शेड होता है, मतलब आप देख सकते हैं महीने में एक बार आपका स्किन पूरा ड्राई होके ऐसा लगता है कि वो टूट के ऐसा स्किन पील हो रहा है जब लगता है ना जी। उसका वो हम जैसे स्किन जैसे हम, मतलब हर मंथ में हमारा लाइफ होता है स्किन का, जैसे बालों का होता है वैसे स्किन का भी होता है, वो चेंज करता रहता है, तो उसके नीचे नया स्किन आ जाता है। तो ये लेज़र और पील जो क्या करते हैं कि इसका लाइफ, मतलब उसके साइकिल जो है उसको जल्दी बढ़ाते हैं, ताकि आपका स्किन जो भी आएगा ये डल और ब्लैक स्किन जो भी है वो गिर जाएगा और नया स्किन लाने की कोशिश करेंगे जी। लेज़र ट्रीटमेंट ये कितने दिन तक रहता मैडम? ये लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट, क्या रेगुलर करवाना पड़ता है इसका? मतलब आप किस पे कर रहे वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पिंपल्स पे कर रहे तो जो पिंपल्स है उसको तो वो मिटाएगा, पर जो नया पिंपल्स आने वाले हैं आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये लेज़र अभी जो करेंगे वो परमानेंट है, उसके उसने जो उस पर हम जिस पिंपल पे किया उधर तो फिर से नहीं आते, पर लेकिन आपको जैसे मंथली पिंपल्स आ रहे उसका ख्याल तो करना पड़ेगा जी।
नाज़रीन ये प्रोग्राम बराह रास्त टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो आप देरी किए बगैर जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए। अगर आपको बालों के ताल्लुक से कुछ सवालात पूछने हैं या अपने आपके दांतों के अमराज के ताल्लुक से कुछ सवालात पूछना चाहते हो या जिल्द के ताल्लुक से कुछ सवालात पूछना चाहते हो मैडम से, तो आप जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। और एक बात नाज़रीन, जब भी आप कॉल लगाए तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए या फिर टीवी से थोड़ा सा दूर हट के हमें कॉल लगाइए ताकि आपकी आवाज़ हमें बआसानी सुनाई दे सके। तो देरी किए बगैर जल्दी से फ़ोन करिए हमें। और एक मैडम, चेहरे पर अनचाहे बाल उगाते हैं तो इसकी क्या वजह है? वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो हार्मोनल इंबैलेंस बोलते हैं, आजकल जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे, जैसे खाना हम खा रहे हैं उसकी वजह से हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस पड़ रहा है। और बच्चों में या बड़ों में हम देखते हैं कि फैमिली टेंशन हो या पढ़ाई की टेंशन हो, इन सब में भी क्या होता है, हार्मोनल प्रोडक्शन जो है वो रेगुलर नहीं हो रहा है। कभी कभी किसी के पीरियड्स मिस होना या रेगुलर नहीं आना, बाल गिरना, बड़े मोटे मोटे पिंपल्स आना, ज़्यादातर लोग मोटे हो जाते हैं, खाते पीते कुछ भी नहीं है फिर भी मोटे हो जाना, ये सब जो होते हैं हार्मोनल इश्यूज होते हैं। उसके साथ और एक प्रॉब्लम होता है अनवांटेड हेयर, अनचाहे बाल, वो फेस पे बहुत कहीं पे भी नहीं दिखेगा पर लेकिन चेहरे पे ज़्यादा दिखता है, तो आजकल वो बहुत कॉमन हो गया है जी। तो आगे बढ़ते हैं, और अब धूप की वजह से जिल्द का रंग तब्दील हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैडम? जिस क्लाइमेट पे हम रहते हैं, मतलब आप निज़ामबाद का ही क्लाइमेट देखो, बहुत ही धूप ज़्यादा रहता है। हम एक 10 मिनट के लिए भी बाहर जाके आते हैं तो हम देख सकते हैं, जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं उस जगह का स्किन वाइट रहता है, बाकी स्किन पूरा टैन हो जाता है। मतलब आप तेज़ी धूप का ख्याल कर सकते हैं कि कितना हो रहा है। तो सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सब लोग फेयर एंड लवली तो लगाते हैं पर लेकिन कोई सनस्क्रीन नहीं लगाता है, पर फेयर एंड लवली में कुछ प्रोटेक्शन की चीज़ें नहीं होती है, आपको उससे जगह उसकी जगह आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि आपका कलर मैच करेगा और आप ज़्यादा सांवला नहीं हो जाएंगे जी। अब मैडम, मेकअप करने के क्या नुकसान आते हैं? क्या मेकअप करने से जिल्द ख़राब हो जाती है? मेकअप, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेकअप आप कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेंगे कि मेकअप मत करो, पर आपके स्किन टाइप पर डिपेंड करता कि आप मेकअप कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है और बहुत सारे पिंपल्स है, उसके ऊपर आप मोटा कोई थिक क्रीम लगाएंगे तो आपको तुरंत उसके इमीडिएटली आपको बड़े मोटे पिंपल्स या पुंसिया कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके स्किन टाइप को और आप जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों मैच नहीं करेंगे। तो ऑयल स्किन वाले और थोड़े पिंपल्स वाले को पीछे लिखा हुआ रहता है कि नॉन कोमेडोजेनिक और ऑयल फ्री, मतलब वैसे कोई क्रीम्स देख के लगाना है। जो लोकल ब्रांड्स रहते हैं वो सब क्या करते हैं, कमर्शली बेचते हैं जो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो किसी किसी को वो सूट नहीं करता है, तो देख के करना चाहिए। पर कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके स्किन डैमेज नहीं होता, पर लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए जिसमें वो लोग क्या इस्तेमाल करते पता नहीं है जी। और एक मैडम, जैसे उम्र कम होती है लेकिन उनके चेहरे से लगता है कि वो कितनी एज के हैं, जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहत है? सेम भाई, अभी मैंने आपको पहले बोला था ना, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं और जिस स्ट्रेस से वो गुजर रहे, मतलब घर की हो या बाहर की कुछ भी हो, लोड ले रहे। और कुछ लोगों को क्या होता, फैमिली में भी हो सकता है, उनकी पेरेंट्स से उनको आ सकता है। झुर्रियों आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं, मतलब फेसलिफ्ट बोलते हैं उसको, स्किन टाइटनिंग बोलते हैं, बोटॉक्स फिलर्स भी बोलते हैं, जिससे आपका उम्र बहुत कम, मतलब जितना आपका उम्र है उतना होगा और उससे कम, बहुत यंग दिखते हैं। वो सब कर सकते हैं, थोड़ा ख्याल रखेंगे धूप में जाने के, मतलब जाने से पहले आप सनस्क्रीन लगा लो, रात में आने के सोने से पहले फेस वॉश करके अच्छा मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम लगा लो, जिससे क्या होता है आपका स्किन का क्वालिटी अच्छा रहता है जी। और बालों में मैडम डैंड्रफ हो जाता है और उसकी वजह से बाल गिरते हैं, और अक्सर लोगों के डैंड्रफ की वजह से चेहरे पर पिंपल भी आते हैं, तो क्या उसका ट्रीटमेंट के ज़रिए वो साफ किया जा सकता है मैम? हाँ, सब लोग डैंड्रफ है मतलब हेड एंड शोल्डर्स उठा के इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, पर लेकिन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा कि डैंड्रफ क्यों हो रहा है, वो डैंड्रफ है या कुछ और है, मतलब स्केलिंग है क्या, देखना पड़ता है।
तो वो आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। और डैंड्रफ का मतलब सब लोग सोचते हैं विंटर में भी, विंटर में ही होते हैं, पर कुछ लोगों को समर बेबी में होता है। तो अगर वो मतलब करेक्ट टाइम पे अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो उनका बाल भी नहीं गिरेंगे, जी और जो वीक हेयर है उनको भी थोड़ा अच्छा हेल्दी बना सकते हैं। और जैसे आप बोल रहे पिंपल्स पे मार्क्स और ये सब हो रहे, वो भी अच्छा हो सकता है। तो पहले आपको डैंड्रफ को दिखाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। जी डैंड्रफ की वजह से क्या बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है मैडम? डेफिनेटली, अगर जहाँ से हमारे जड़े हैं जो आप देखते हैं फॉलिकल बोलते हैं, जैसा होल्स दिखता है ना हमको जी जिससे बाल निकलता है, डैंड्रफ उस जगह को अगर पूरा ऑक्यूपाई किया है तो उसको बाल को कमज़ोर करेगा, उस जगह जी को ऑक्यूपाई करेगा और बाल गिर के आने वाले बाल को उगलने नहीं देता है। तो जी डैंड्रफ को पहले साफ करेंगे तभी तो बाल अच्छे हेल्दी और क्या बोलते हैं मोटे हो जाते हैं। जी और नया बाल आने के चांसेस रहते हाँ हैं। तो नाज़रीन, आप जल्दी से फ़ोन उठाइए और सुनहरी मौके को जाने मत दीजिए। हमारी मैडम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप जब तक कॉल करें तब तक हमारे शो का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो आप जल्दी से फ़ोन उठाइए, देरी किए बगैर। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मैडम से आप सवालात कर सकते हो, जिल्द के ताल्लुक से, दांतों के ताल्लुक से। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं। दांतों में कीड़ लग जाता है मैडम, तो दांत पूरा एकदम खोखला हो जाता है, तो उसमें क्या सीमेंट लगा सकते हो? पहले वो खोखला होने से पहले आपको क्या होता है, झंझनाहट होती है पहले, जी तो आपको कीचेगा। अगर कोई आप स्वीट्स खाएंगे या कुछ जी गर्म चीज़ खाएंगे आपको दर्द होता है। अगर आप उस स्टेज में आते हैं तो सीमेन बढ़ेंगे तो आपको ये तकलीफ़ नहीं होगा जी और वो होल जो है वो बढ़ेगा नहीं। जी अगर आप थोड़े मतलब जब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द बहुत कर रहा है, उस स्टेज में आएंगे तो एक्सरे निकालना पड़ेगा कि कहाँ तक है वो छेद। अगर जी ऊपर ऊपर है तो हम सीमेंट भरेंगे तो आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। अगर वो नस की करीब है या पास है तब अगर सीमेंट भरेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो स्टेज पर जी डिपेंड करता है, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आएंगे तो खर्चा भी कम होगा, दर्द भी कम होगा और आपका आने जाने का सिटिंग्स भी बहुत कम हो जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा है तो आप बताएंगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। जी और मसूड़ों की सूजन किस वजह से होती है मैडम? जब भी हमारे मसूड़े और दांत के बीच में जो गैप्स होते हैं, जी अगर उस जगह में इन्फेक्शन होता है, सूजन होता है, उसके जी बाद आप जब भी ब्रश करते हो तब दांतों मसूड़ों से आपको खून निकला दिखाई देगा। जब आप ब्रश करते हो तो वाइट पूरा ब्ला आपको रेड रेड दिखाई देता है, तो जी इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है। सब लोग सोचते हैं कि थोड़े दिन के बाद ये कम हो जाएगा, थोड़ा ये करेंगे तो वो हो जाएगा, थोड़ा घर के नुस्खे आजमाते हैं, पर लेकिन हमारे ब्रश जो है वो दांतों के और मसूड़ों के बीच के गैप के अंदर नहीं जाता है। तो तब जी आपको डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अक्सर ये हादसा में होंगे या फिर किसी वजह से चोट लग जाते, दांत टूट जाता है, तो उसको क्या क्लिप लगाकर ठीक कर सकते हैं? अभी थोड़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, क्लिप जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी अगर वो टूटा हुआ पीस आप लेके आ जल्दी आ सकते हैं तो उसको हम कर सकते हैं, जी नहीं तो अभी सेम टूथ कलर के सीमेंट्स हम कॉम्पोजिट्स बोलते हैं जी उसे तुरंत फिक्स हो जाता है। तो जी आपको वेट करने की और सालों साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है जी और क्लिप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उस जी एडवांस टेक्निक से अगर हम करेंगे तो जी तुरंत आपको 1 घंटे में आपके जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। जी और सर के बाल अक्सर मैडम गिरते हैं, और उस जब वो गिरते हैं तो स्किन पर एक चिकना सा क्या बोलते, चांजू, जैसे हम आम जुबान में चांजू बोलते हैं, तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या उस पर बाल आ सकते हैं मैडम? आप किस सर पे बोल रहे हो कि हाँ वैक्सिंग के बाद बोल रहे हो? सर पर, सर पर सर पर वो जैसे अभी बाल हमारे गिर रहे हैं तो जी उस जगह से फिर से बाल का लाइफ होता है, जैसे साइकिल जी बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर 2-3 महीने में आपके बाल थोड़े थोड़े गिरते रहते जी हैं। जो गिरे बाल है उस जगह पे फिर नए बाल आएंगे, पर जी लेकिन जैसे आप बोल रहे इन्फेक्शन है तो जी देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है। अगर इन्फेक्शन को ऐसे छोड़ा गया तो उस जगह का फॉलिकल मतलब जो होल जिससे बाल निकलता है वो जी पूरा बंद हो जाएगा,
फिर उसके बाद बाल नहीं निकलेंगे. तो देखना, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, पहले तो देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है. जी, और अक्सर आम आदमियों में मैडम, जेंट्स में गंजापन आ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट है मैडम? हाँ, गंजेपन का ट्रीटमेंट है. अगर आप खाली में नोटिस कर रहे हैं कि आपको कुछ फीवर आया या कुछ, मतलब आजकल डेंगू भी कुछ कॉमन हो गया है, जॉन्डिस भी हो रहा है, उसके बाद आप ज़्यादा हेयर फॉल देखेंगे, क्योंकि आपका बॉडी पूरा रिकवर कर रहा है तो आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं. तो उस टाइम पे अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट लेंगे तो वो हेयर फॉल, जो हैवी हेयर फॉल है, उसको कवर कर सकते हैं. पर उस स्टेज के बाद भी आप आएंगे, मतलब आगे से आपको पतला दिख रहा है, आपका स्किन दिख रहा है, मतलब तब आपको पीआरपी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं. उससे भी ज़्यादा जैसे आप बोल रहे हैं गंजे दिख रहे हैं, तो उसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, मतलब आपके खुद के बाल पीछे से लेके आगे उसको बिठाएंगे. तो ये क्या है, परमानेंट है, मतलब आप जितने भी बूढ़े हो जाए या आप मर भी जाएंगे, पर लेकिन वो बाल आपके नहीं गिरेंगे, वो जो हम लगाएंगे वो परमानेंट है. तो उसका पूरा मतलब गारंटी है, कुछ नहीं होता उस बालिंग को. तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन वो और एक टेक्निक है जो हमारे क्लिनिक में ही मिलेगा आपको, बाकी कहीं कोई नहीं कर रहे. तो उससे भी क्या होता है, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कुछ नहीं, और आप थोड़े यंग दिखते हैं. मतलब जब भी गंजापन आता है, लोग 20 के होंगे वो 30-40 के दिखते हैं, क्योंकि आगे से उनका हेयर लाइन जाता है तो वो थोड़े बूढ़े दिखते हैं. तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सेफेस्ट है, साइड इफेक्ट्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और आपके खुद के बाल लगाएंगे तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे. जी, एक बार आपके मैडम आपके हॉस्पिटल का एड्रेस बता देना था पब्लिक को, ताकि मालूमात हो जाए और पब्लिक अपने अमराज के लिए आपसे रुजू हो. तो आप एक बार आपका हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिए. हमारा हॉस्पिटल का नाम है हीरा क्लिनिक, हीरा स्किन हेयर एंड डेंटल क्लिनिक. आपको कोर्ट चौरस्ता के पास, मतलब कलेक्टर ग्राउंड के ऑपोजिट सेंटर में ही आपको बड़ा बोर्ड दिख जाएगा. डॉक्टर कवलिया हॉस्पिटल तो सब जानते हैं, उन्हीं के बेटे हैं डॉक्टर राजी रेवंत, उन्हीं के हॉस्पिटल में दूसरी तरफ है. और द्वाकरा बाज़ार बोलते हैं, उसके सामने ही मेन रोड पे है, आपको कभी भी दिख जाएंगे. जी मैडम, और उनसे टेढ़े दांत होते हैं तो उसको एक लेवल में लाया जा सकता है? ला जा सकता है. अभी उसका उम्र का होता है, मतलब बच्चे जब पूरे उनका ग्रोथ कंप्लीट हो गया, हड्डी पूरा फॉर्म हो गया, उसके बाद हम प्लान करेंगे किस दांत को आगे लेके आना चाहिए, किस दांत को पीछे लेके जाना चाहिए. उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं. उसमें भी दो वैरायटीज होते हैं, एक दिखता है एक नहीं दिखता है. एक बिल्कुल वाइट दांत की कलर में होता है, आप क्लिप लगाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलता. दूसरा मेटल का होता है, वो थोड़ा दिखता है. तो कर सकते हैं, वो एक लेवल पे ला सकते. जी, और मैडम जिल्द पर टैटू बनवाते हैं लेकिन वो जाता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए क्या लेज़र ट्रीटमेंट करना पड़ता मैडम? हाँ, लेज़र ट्रीटमेंट. अभी लेज़र ट्रीटमेंट क्या है कि जितना टैटू है, जितना कलर है, हम उतना ही इस्तेमाल करते हैं, वो सेफ़ है. और आपको फर्स्ट सेशन में ही दिख जाता है, बहुत लाइट हो जाता है. अभी क्या है, आर्मी एग्ज़ाम्स हो या पुलिस ट्रेनिंग के लिए जाना हो, टैटू है इसकी वजह से बहुत सारे रिजेक्ट हो जाते हैं. तो हमारे पास वो सब आते हैं टैटू निकलवाने के लिए. और कुछ लोग गल्फ कंट्री में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टैटूज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी निकालते हैं. पर लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, अगर उनको वीसा आ गया है अभी तुरंत निकालना है तो उतना हड़बड़ी में नहीं होता. अगर कोई गल्फ के लिए प्लान कर रहे या बाहर कंट्री में जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पेपर्स लगाने से पहले ही आके एक बार टैटू का कंसल्टेशन करके आप निकालना चाहते हैं तो बेटर है. पर तुरंत वीसा आने के बाद निकालना, मतलब टाइम लगता है उसके लिए. जी, और जिल्द पर बन के धब्बे यानी कि जले हुई जिल्द हो जाती है, उस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो क्या वो भी निशाना जाते हैं मैडम? वो भी निशाने जाते हैं, उसके भी बहुत सारे वेराइटीज़ रहते हैं. एक तो इंजेक्शन रहता है, अगर इंजेक्शन लेने से क्या होता है, उस लेवल थोड़ा फ्लैट होता है, कलर थोड़ा इम्प्रूव होता है. उससे भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है आपको, तो लेज़र रहता है उसके लिए. लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे वो बहुत सेफ़ है उस जगह पर. आपको पता भी नहीं चलता है कि पहले वहाँ पर एक स्कार था या सूचर के ये थे. या कभी कभी लोग पे क्या होता,
जब खाना बनाते हैं तो ऑयल गिर जाता है, नहीं तो कभी सर्जिकल स्कार मतलब चेहरे पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो सूचस डालते हैं, उसके लिए भी जी निशाने होते हैं, वो सब हम निकालते हैं। तो जी उसका कुछ भी आपको पूछना है तो क्लिनिक में आके आप मसला ले सकते हैं कि कर हो सकता है क्या, जी नहीं हो सकता है क्या। आपको इधर उधर से पूछने से तो अच्छा है क्लिनिक पे आके डॉक्टर को ही सीधा पूछ सकते हैं, जी क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि हो सकता है कि नहीं। तो आपको क्लिनिक पे आके पूछना चाहिए। मैडम, घरेलू नुस्खे जिल पर किस हद तक सही है करना? घरेलू नुस्खे बहुत मतलब आजकल सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जी पता नहीं कितने लोगों पे वो काम करता है, क्योंकि हर एक का स्किन एक नहीं होता है, हर एक जी के बाल का टाइप सेम नहीं होता है। जी और ये जो घरेलू नुस्खे हैं वो जो वीडियोस में दिखाते हैं वो पूरा नहीं दिखाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर बोल के सिर्फ फोटो लगाते हैं, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब नहीं दिखाते। पर हमारे क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई बोलते हैं कि हमने एड में देखा है या यूट्यूब में देखा है कि ऑनियन का पेस्ट लगाने के बाद पूरे पिंपल्स और काला सेन जाता है बोल के, फुल पूरा चेहरा जला हुआ होता है उनका, लाल होके फिर हमारे पास आते हैं। तो ऐसे मत कीजिए, क्यों, चेहरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार वो जल गया या निशाने पड़ गए तो उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। इतने प्यारे प्यारे सब लोग बच्चे रहते हैं, पूरा शादी के पहले कुछ तो कुछ आजमा के देखते हैं, काम नहीं करते फिर बोलते नहीं जी मैंने में जाना है शादी है। तो ऐसे मत कीजिए क्योंकि आपको पता नहीं, वो तो डॉक्टर्स नहीं है, उनको तो पता नहीं कैसे करना क्या नहीं करना, ऐसे ही अपना वीडियो बना के भेज देते, आप उसको फॉलो करते मत कीजिए, क्योंकि चेहरे बहुत इम्पोर्टेंट, जो भी देखते हैं पहले चेहरा ही देखते हैं, तो आपको ख्याल और रखना पड़ गोरे चाहिए। होने के लिए भी अक्सर बहुत से लड़के लड़कियां और मार्केट की जो मिल रही है फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस वो जो चेहरे क्रीम्स पर लगा, तो उसके क्या नुकसान आते हैं और क्या फ़ायदे? कुछ फ़ायदे हैं मैडम उसके? जो भी चीज़ें मतलब बोलते हैं कि क्रीम लगाओ तुरंत आप गोरे हो जाएंगे, मतलब जी इतना तुरंत कैसे गोरे होते हैं, मतलब कुछ तो स्टेरॉइड्स होंगे उसमें जी जो जल्दी काम करने के लिए कुछ चीज़ें होते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुरू शुरू में आपको अच्छा लगता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है 1 महीने के बाद दिखता है, जैसे आप वो लगाने के बाद गोरे तो होते हैं पर लेकिन आप धूप में निकले के बाद पूरा स्किन आपका जलता है और लाल होके फिर वो काला हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं कि जी बोलते हैं कि हमने ये ट्राई किया वो ट्राई किया तो ऐसा हो गया। प्लीज़ ट्राई मत कर लिए, क्योंकि स्किन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव रहता है, चेहरे को ख़राब मत कीजिए। जी ओपन पोर्स भी हो जाते हैं मैडम, तो क्या उसका भी ट्रीटमेंट है हाँ, चेहरे पर? अभी जैसे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आप जाते पार्लर में क्या करते हैं, वो लोग पूरा उसको निकाल देते हैं फिर ऐसे छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं उसको निकाल के उसके ऊपर एक लोशंस मिलते हैं वो लगाते, तो ताकि उसके बाद आपका स्किन ऐसा ओपन पोर्स नहीं रहता है और पूरा मतलब उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं रहते कैसे निकालना ये सब नहीं होता है। पर क्लिनिक में आप पूरा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने के बाद थोड़ा लोशन लगाने के बाद आपका स्किन वो बड़े बड़े पोर्स सारे आपके क्लोज हो जाते हैं। जी और चेहरे पर काली सेम और सफ़ेद सेम भी हो जाती है मैडम, तो उसका ट्रीटमेंट भी है आपके पास? हाँ, काले सीन जो होता है वो आपका मतलब एज के डिपेंड होता है, जी थोड़ा एज बढ़ने के बाद जो है नाक पे और गालों पे आपको ये दिख जाता है, उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली है। पर ये सफ़ेद सेन आप जो बोल रहे हैं वो जी आपको एक ही जगह पे अचानक दिखाई देता है, जी और ये सब लोग सोचते हैं कोई डिसीज़ है ये, अच्छा नहीं एक दूसरे को आता है, और अगर मदर को है तो बच्चों को भी होता है, ये सब जी बहुत गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सफ़ेद सेन जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट और क्रीम्स और सर्जरी से हम निकाल देते हैं। ये क्या होता है, एक जगह पे बॉडी कलर प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, इसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं है, पर लेकिन सोशली बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट है, क्रीम्स है और सर्जरी भी करते हैं, पर लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेज में है, उसके स्टेज के हिसाब से आपको एडवाइस देंगे, या आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, पर लेकिन ऑप्शंस तो हमारे पास हैं। जी और मैडम दांतों में एक गैप हो जाता है, वो बहुत तो ख़राब लगता है जब मुस्कुराते हैं, तो गैप को क्या ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ निकाला जा सकता है गैप को? अगर ये दांतों के बीच का गैप बचपन में मतलब जब क्या आपका उम्र 18 से बिलो है जी अगर ऐसा हो रहा है तो उसको क्लिप ट्रीटमेंट से कर सकते हैं,
पर यही आपको 30-40 इयर्स के बाद गैप हो रहा है, मतलब आपके मसूड़े और आपका हड्डी का क्वालिटी बहुत कम हो रहा है, मतलब आपको मसूड़े में प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उसका क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ बहुत कम हो रहा है। तो तब आपको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसा गैप्स हो रहे हैं। उसके भी क्लिप्स और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, स्प्लिंटिंग टेक्निक भी बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं जी, पर वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में है जी। कहते हैं मैडम ऑयली स्किन होने की वजह से पिंपल्स आते हैं, क्या ये सही है? ऑयली स्किन वाले को पिंपल्स तो हर किसी को होते हैं, पर ऑयल स्किन वाले को क्या होता, अगर थोड़ा भी वो पोर्स ब्लॉक हो गए तो बहुत मोटे पिंपल्स आते हैं, जिसपे आप पीप बोलते हैं ना, वो सब भर के रहता है। तो ऑयल स्किन वाले को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपना स्किन का, नहीं तो ये पिंपल्स और बढ़ते जाएंगे जी। और अक्सर मैडम आप आम से हो गया है जिल्द पर, जिस्म पर दांत होना, जैसे कि हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं जी, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी क्या वजूहत है? फंगल इन्फेक्शन जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। अगर फैमिली में एक मेंबर को है तो सारे मेंबर्स को होने के चांसेस होते हैं। आजकल बच्चों में भी दिखने लगा है वो जी। तो थोड़े चीज़ें हैं आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप कहीं जाए या कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे आपके कपड़े कॉमन सबके धुल रहे, तो वैसे नहीं करना चाहिए। अगर किसको क्या इन्फेक्शन है किसी को नहीं पता, अगर ऐसे आपके कपड़े उनके कपड़े से मिक्स होके धुल के आगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और बच्चों में क्या होते हैं, वो लोग खेल के आ जाते हैं और धूप में खेलते हैं, स्वेट ज़्यादा बहुत रहता है, वो ठीक से नहाते नहीं है, तो उससे भी हो सकता है। समर्स में ज़्यादा दो बार नहाना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि वो पूरा खेल के आते हैं धूप में, तो वो भी एक चीज़ हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन के धब्बे जाते हैं मैडम, उसे ट्रीटमेंट है? पहले धब्बे से ज़्यादा हमको फंगल इन्फेक्शन कम होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं कम हुआ तो पूरा बॉडी फैल सकता है जी। तो निशाने क्या है, वो 2-3 मंथ्स के बाद कम हो जाता है, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, पील कर सकते हैं, पर पील की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रीम्स रहेंगे उससे कम हो जाता है जी। जिल्द पर ब्लीच और फेशियल किस हद तक सही है मैडम? कॉस्मेटिक का जो हार्ट का कॉस्मेटिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस हद तक सही है? ब्लीच जो है आप देखते हैं बाथरूम के, बाथरूम में भी हम ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना स्ट्रांग है आपको पता है, और उतना स्ट्रांग वाला केमिकल आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो मे बी 2 दिन के लिए आप अच्छे दिखेंगे क्योंकि वो उतना स्ट्रांग है, पर 2 दिन के बाद आपके स्किन के साथ क्या हो रहा है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। आप थोड़ी देर खाना पकाने के लिए गर्म मतलब स्टफ़ के पास खड़े होते हैं तभी आपका स्किन पूरा ऐसा जलने जैसा लगेगा, या धूप में जाएंगे तो पूरा लाल हो जाते हैं। ब्लीच और फेशियल आपको कराना नहीं चाहिए, और फर्स्ट टाइम अगर शादी के पहले या कोई फंक्शन के पहले करा रहे तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एलर्जी होके हमारे क्लिनिक पे आए हैं कि उनको ये सूट नहीं हुआ वो सूट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ें सब स्किन वाले को करते हैं, 4 ही वेराइटीज़ होते हैं हर स्किन वाले को करते हैं, उनको पता नहीं कौन से स्किन पे क्या करना चाहिए। और जिनको भी पिंपल्स है उनको तो फेशियल बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, उतना लोड आपके स्किन नहीं लेगा और आपके पिंपल्स तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं जी। अक्सर मैडम हेयर ग्रोथ रुक जाता है और बाल गिर जाते हैं, तो एकदम सर पूरा खुला और गंजापन शुरू हो जाता है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट है मैडम? हाँ, अभी अभी क्या है कि सब लोग खाना तो खा रहे पर लेकिन अच्छी मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी है वो तो नहीं हो रहा है, टाइम पे खाना तो किसी को भी नहीं हो रहा है, कभी कभी भूख लगे तो खा रहे, वो न्यूट्रिशन का पैटर्न होता है हमारे बॉडी बनने में, बाल बनने में पूरा प्रोटीन का बहुत ही रोल होता है। और ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज में ज़्यादा ऐसा होता है कि बाल बहुत जाते हैं? हाँ, वो प्रेगनेंसी मतलब वो तो हार्मोन रिलेटेड होता है और उनके बॉडी में चेंजेस भी आ रहे हैं वो तो है, पर लेकिन आजकल हर किसी में हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है। पहले तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और उसके अलावा डैंड्रफ है, पहले देखना पड़ेगा कि उनके बाल किस वजह से जड़ रहे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है
जी, तो हेयर ग्रोथ बढ़ता है मैडम वो ट्रीटमेंट से? हाँ डेफिनेटली बढ़ता है, क्योंकि एक बार देखेंगे तो डर्मास्कोप, जैसे बाकी का माइक्रोस्कोप होता है, जी डर्मास्कोप मतलब वो स्किन और हेयर उसमें देखते हैं, जी तो वो 20 टाइम्स बड़ा दिखता है और पता चलता है कि किस वजह से हो रहा है, और तब हम कर सकते हैं कि क्या करना, मतलब उस कौन से लेवल पे है हेयर फॉल, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जी और दांतों के ताल्लुक से बात करेंगे मैडम, दांत जब कीड़ का है तो निकाल दिया जाता है, तो उसकी जगह पर नया दांत फिक्स कर दे, तो फिर बाद में इन फ्यूचर कुछ उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा? आजकल नई टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आपको दांत निकालना पड़ेगा ही नहीं, जी बिना दांत निकाले ही पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, जी तो एक बार दांत निकालने के बाद तो वापस नहीं आता, जी उसका सपोर्ट लेना या इम्प्लांट डालना या बाकी दो दांतों को छोटे करना, ये सब बहुत आउटडेटेड है, अभी जी तो कोई ऐसे नहीं कर रहे, जो दांत कौन से भी स्टेज हो उसको बचाने की कोशिश करेंगे जी और उसका ही रिपेयर करके आप इस्तेमाल, मतलब अभी दांत निकालना तो कोई नहीं कर रहे, वो तो बहुत जी आउटडेटेड है, कोई एडवाइज ही नहीं करेंगे आपको दांत निकालने के, अगर बूढ़े लोग हो गए या उनको दांत हिल रहा है, बहुत स्टेज क्रॉस हो गए तब दांत निकालते हैं, पर उसके अलावा तो दांत नहीं, हमारे क्लिनिक में तो हम नहीं निकालते, बोलते हैं कि नहीं कर सकते उसको रिपेयर, और जी रिपेयर करते हैं। जी और मैडम अक्सर लड़कियां फेस पर वैक्सिंग करवाती है तो वो स्किन रेड और या ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, तो वो क्या सही है मैडम वैक्सिंग? वैक्सिंग हम तो बोलते हैं कि हाथों पे और पैरों पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप देखो, आप सर के बाल भी कंघी से थोड़ा जोर से खींचेंगे तो आपको कितना ये होता, उस जगह पे हेयर फॉल हो जाता है, आपको दिख जाता है, क्योंकि बाल लंबे हैं तो आपको पता चलता है, पर जी बॉडी में अगर आप ऐसे करते हैं तो वो अच्छा नहीं, और फेस पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जी क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, गरम 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 वैक्स आप अपने चेहरे पे डाल के खींच रहे तो डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ नहीं है, और सैगिंग हो जाती है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना जूरिया जल्दी आ रहे हैं सबको, जी ये और एक वजह है जिससे आपको जूरिया आ सकता है, क्योंकि आपको स्किन को खींचने के बाद वो जी बहुत ही सैगी हो जाता है, जी मतलब लूज हो जाता है, जी जिससे आपको जूरिया दिख जाता है, और कुछ लोगों को वैक्सिंग के बाद पूरे ऐसे पुंजिया आ जाता है, जी छोटे छोटे एलर्जी की तरह आता है, फिर वो दाग छोड़ देता है, जी और कुछ लोगों को इनवर्ट ग्रोथ की वजह से बहुत दर्द भी होता है, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, इससे तो अच्छा है आप लेज़र हेयर रिमूवल कर सकते हैं, आप जी सोचते हैं लेज़र हेयर रिमूवल बहुत ही कॉस्टली होगा ये होगा, पर आपको ये सोचना चाहिए अगर एक लड़की अपने 16 या 18 ईयर्स से वैक्सिंग करा रही है, पूरे लाइफ टाइम आप जितना लगा रहे हैं उससे आधा भी नहीं होता है आपका लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, जी अगर और ये सेफेस्ट है, दर्द भी नहीं होता, और आपको बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि आपका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जी लेज़र हेयर रिमूवल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, जी अगर आप हाथों पे, अंडरआर्म से पे, पैरों पे नहीं कराना चाहते तो ठीक है, पर एटलीस्ट फेस के लिए तो वैक्सिंग कराना अच्छा नहीं है। जी और चेहरे पर टाइटनिंग करने के लिए भी क्या लेजर ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना पड़ता हाँ है मैडम? लेज़र रहता है, लेज़र के अलावा हाइफू बोल के एक मशीन होता है जो जी स्किन टाइटन करता है, जी जिसके भी सैगिंग हो, डबल चिन हो, उनको ये ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं, जी क्योंकि डबल चिन की वजह से हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे, उसके अलावा आपका उम्र भी ज़्यादा दिख जाता है, तो वो ट्रीटमेंट सेफ है, और आपका मतलब यूथफुल लुक दिख जाता है, और जैसे आपका स्किन मतलब जॉ लाइन हो या आपके चीक बोन हो वो जी हाईलाइट कर देता है उस मशीन से। इस लेजर ट्रीटमेंट से मैडम पिंपल्स का जो दाने रहते हैं या एक्ने पिंपल्स रहते हैं उसमें कमी आ जाती है? बहुत आपको डिफरेंस एक ही हफ्ते में दिख जाता है, जी जिनके भी हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट कराए थे वो उनको भी पता है कि कैसा है, वो रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, जी क्योंकि 1 वीक में आपको, आप मतलब 6 मंथ्स या 1 ईयर आप कंटिन्यूस ऑइंटमेंट्स लगाएंगे, टैबलेट्स इस्तेमाल करेंगे, जी पर लेकिन आपको इतना असर नहीं दिखता, पर लेकिन एक लेज़र सेशन से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आते हैं, जी महीने में कितने बार करवाना पड़ता है आप मैडम? एक बार करा लो, जी देखो कितना असर दिख रहा है, अगर अगर आपको लग रहा है कि इतना काफ़ी है मेरे लिए तो आपको आपको आगे कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आपको आपको लग रहा है कि और थोड़ा अच्छा होना है या इससे भी थोड़ा बेटर रिजल्ट चाहिए तो दूसरा सेशन कराइए, उसका जी कोई ऐसा लिमिट नहीं रहता कि आप इतना कराओ उतना कराओ, वो आप पे मर्जी है, कितने दिन का गैप होना चाहिए मैडम वो करवाने के लिए, 3 वीक्स टू 4 वीक्स बोलते हैं, मतलब पहला हाँ करवाने के बाद? पेनल जी इतना गैप तो हम डेफिनेटली देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो 1 मंथ तक वो अंदर से आपका स्किन अच्छा होता रहेगा है, तो इसीलिए आपको
थोड़ा 3 to 4 weeks वेट करना पड़ेगा। जी, और चेहरे पे अक्सर लड़कियां और मैडम घरेलू नुस्खों के साथ साथ अपने गोरे होने के लिए भी मार्केट की क्रीम लगाती हैं या फिर और अपने घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, तो उसके लिए मैडम क्या सजेशन देना चाहती हैं आप? घरेलू नुस्खे मतलब क्या कर रहे हो? अगर आप YouTube पे देख के कर रहे तो डेफिनेटली मत करो। अगर आप हल्दी चंदन ऐसे कुछ घर पे मतलब आपके दादी ने बोला है या नानी ने बोला है तो आप वैसे वाले करिए, क्योंकि उसमें तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। पर जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनियन गार्लिक इसका निकाल के करते हैं। आप जब भी ऑनियन कट करते हो आप खुद देख सकते हो आपकी आंखों से पानी आ जाता है, मतलब कितना स्ट्रांग है। उसको आप लेके आपके पिंपल के ऊपर या आपके दब्बों के ऊपर लगाएंगे तो डेफिनेटली वो आपका स्किन को जला देगा। वो एसिड फॉर्म है तो वैसे चीज़ें मत करो। तो आपके स्किन पे भी देखो मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सब जो है वो सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो कितना काम करता है वो तो नहीं पता। पर डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।